नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। गाजियाबाद के NH-58 से मोरता इलाके में गोदाम पर छापामार कार्रवाई की गई। यूपी सरकार के टैक्स की चोरी कर नियम विरुद्ध फुटकर में बेची जा रही थी शराब। यह जो शराब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह समंदर पार की है। यह विदेशी शराब है और यह कस्टम ब्रांड पर ही बेची जा सकती है। इस गोदाम से यह फुटकर में बेची जा रही थी जिससे यूपी सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हो रहा था। आबकारी अधिकारियों के मुताबिक उनको मुरादाबाद में 60 बोतलें मिली है जिसके बाद उनका शक गहराया। तफ्तीश से जांच करने के बाद पता चला कि गाजियाबाद के मोरता इलाके में जो गोदाम है वहां से शराब बेची जा रही है। उसके बाद इस गोदाम पर रेड की गई। इस दौरान मुरादाबाद से मिली बोतलों का भी मिलान कराया गया जो किसी गोदाम की निकली। अब आबकारी विभाग ने यहां रखी करोड़ों की शराब को जब्त कर लिया है। साथ ही राजस्व कर चोरी के मामले में मुकदमा भी दर्ज करवाया जा रहा है। वे हमारे स्टाफ को, मुरादाबाद स्टाफ को सूचना थी कि कहीं ओवरसीज की शराब की तस्करी हो रही है। वो लोग लगे हुए थे और आज उन्होंने 5 पेटी यानी 60 बोतल मुरादाबाद में पकड़ा है। पूछताछ में पता चला कि वो शराब यहाँ इस गोदाम से गई थी। उसके बाद फिर यहाँ के स्टाफ ने यहाँ छापा मारा और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा शराब, यहाँ करोड़ों रुपये की शराब रखी हुई है। इनके मालिक से हमारी बात हुई है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनको भारत सरकार का लाइसेंस इन्होंने लिया हुआ है, व्हाट्सएप पे उसे भेजा भी है। इनके पास कस्टम बांड है, कस्टम बांड का लाइसेंस है। कस्टम बांड का लाइसेंस से होता है, ये कस्टम बांड से कस्टम बांड को ही बेच सकते हैं। और ये इनके पास चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई लाइसेंस नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश में नहीं बेच सकते हैं। और ये खुदरा रूप से मतलब 10-20 पेटी करके ये बेच रहे हैं और ये हमारे राजस्व की चोरी है। और अभी जो माल वहाँ पकड़ा गया है जिन ब्रांडों का, उसका जो लाइसेंस नंबर या मेक जो है उसे ला करके इससे मैच कराया गया, लोगों के सामने भी मैच कराया गया। सेम वही बोतलें हैं जो यहाँ रखी है, इसका मतलब ये यहाँ से गई है। ये एग्जैक्ट तो हमें नहीं बता सकते कि कब से हो रहा है, लेकिन हाँ ये सूचना थी हम लोगों के पास कि इस तरह की चीजें आ रही हैं कहीं से, उसी पर लगे हुए थे। जी हाँ, राजस्व की चोरी कर रहे हैं, राजस्व की चोरी ही तो कर रहे हैं। अगर ये बोतल बेच रहे हैं, पेटियां निकाल रहे हैं तो बिना राजस्व, बिना ड्यूटी दिए जा रही है, तो वो चीजें राजस्व की चोरी था। कई करोड़ का माल होगा, ये एग्जैक्ट तो हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन कई करोड़ का, बहुत सब ओवरसीज का माल है, विदेश का स्कॉच वगैरह। अब इन्होंने चोरी किया है, पकड़े गए हैं, तो निश्चित तौर पर FIR होगी, IPC और एक्साइज एक्ट के अंतर्गत FIR होगी इनके खिलाफ। ये सीज होगा, मतलब गोदाम सीज हो जाएगा इनका।